हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये स्कार्फ बनाना बताऊँगी। इस स्कार्फ की निट जो है बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली फोर लाइंस का डिज़ाइन है, या मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्ल स्टिच, ये जो पर्ल डिज़ाइन है, ये एक लाइन में बनता है और बाकी की तीन लाइनें जो है प्लेन निट की जाती हैं। तो ये फोर लाइंस का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो चलिए इस स्कार्फ को बनाना शुरू करते हैं। इस स्कार्फ के लिए मैं निटिंग नीडल नंबर 10 का इस्तेमाल कर रही हूँ और हमें फंदे जो हैं 2 के मल्टीपल में लेने हैं प्लस 1 लूप एक्स्ट्रा। तो 2 के मल्टीपल में फंदे डालें और एक फंदा एक्स्ट्रा लें। मैंने 47 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं। पहले फंदे को मैं स्किप करूंगी, धागा आगे करूंगी अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा बुनूंगी, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरीके से इस फर्स्ट रो को मैं एक सीधा उल्टा बुनते हुए आगे बढ़ूंगी। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इन दोनों फंदों को लास्ट के मैं उल्टा बुनाई कर लूँगी। सीधे के बाद मतलब 2 उल्टे आए हैं मेरे लास्ट में। अब रॉन्ग साइड रो आऊँगी, सेकंड रो। पहले फंदे को स्किप करूँगी। अब ये फंदा सीधा दिख रहा है, सीधा बुनाई का है, नेट है, तो इसको सीधा बुनूँगी। धागा आगे करके जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनूँगी। ये सीधा दिख रहा है इसको सीधा, ये उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा, जो जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसा बुनाई कर रही हूँ। सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। ये मेरी सेकंड बेस रो है। हम पहले स्कार्फ के लिए बेस रेडी कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सेकेंड बेस रो कंप्लीटेड। हम बेस रो सिर्फ 2 ही बनाएंगे। 2 बेस रोज बनाने के बाद अब हम अपना डिज़ाइन पैटर्न शुरू करेंगे। ये बेस रो मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो स्कार्फ है वो स्कार्फ का ये जो एरिया है ये टर्न ना हो, रोल ना हो, इसलिए मैंने ये 2 1x1 रिब, इसको बोलते हैं, तो 2 मैंने 1x1 रिब का बेस बनाया है। अब मैं डिज़ाइन की पहली लाइन शुरू कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो है डिज़ाइन की। पहले फंदे को स्किप करूँगी और बाकी सभी फंदों को सीधा बुनाई कर लूँगी। सभी फंदों को मैं नेट कर रही हूँ। अपनी डिज़ाइन के फर्स्ट रो के एंडिंग पे, मतलब मुझे ये, मैं इसको उल्टा बुनूंगी। हमेशा लास्ट के फंदे को उल्टा बुनेंगे हम। अपनी फर्स्ट फंदे को हमेशा हमें स्किप करना है और लास्ट फंदे को हमेशा हमें उल्टा बुनाई करना है ताकि साइड जो है वो एकदम क्लीन आए। पहले फंदे को स्किप करेंगे इस तरीके से। अब धागा अपनी तरफ करके ये फंदा उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनेंगे।
सभी फंदों को, ये रॉन्ग साइड रो है मेरी, रॉन्ग साइड रो पे हम सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। पर्ल निटिंग करनी है हमें, सेकेंड रो कंप्लीटेड, थर्ड रो पहले फंदे को स्किप करेंगे, पहले फंदे को स्किप करने के बाद सभी फंदों को सीधा बुनाई कर लेंगे। निट ऑल द लूप्स, लास्ट लूप को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनूंगी मैं। थर्ड रो कंप्लीटेड। फोर्थ रो में ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है। पहले फंदे को स्किप करूंगी, उसके बाद इस सेकंड लूप से अपना एक डिज़ाइन, छोटा सा जो बीड डिज़ाइन है, मैं इसको बीड डिज़ाइन का नाम दिया है मैंने, तो वो शुरू करूंगी, पर्ल डिज़ाइन का। इस निट को सीधा बुनूंगी लेकिन नीचे से, ऊपर से नहीं, इस जो ये जो होल दिख रहा है नीचे लूप के नीचे, इसमें से मैं इसको निट करूंगी। ये सीधा बुनाई करूंगी, इसको उतार लिया, धागा अपनी तरफ करूंगी, एक उल्टा बुनूंगी, फिर धागा पीछे करूंगी, फिर एक सीधा बुनूंगी लेकिन कहाँ, निट के इस लूप के नीचे वाले लूप में, होल में, ऐसे एक उल्टा, धागा पीछे, फिर एक निट बिलो द लूप, फिर एक उल्टा, एक सीधा पर नीचे से, एक उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा लूप के नीचे से। तो ये कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे आप, हल्का सा आपको ये उभरा हुआ दिख रहा है होगा, ये देखिए ये नेट जो है उभरी हुई दिख रही है। तो इस रो फोर्थ रो में हमारा पर्ल डिज़ाइन बनेगा। रॉन्ग साइड पे लास्ट का फंदा उल्टा आया है। खैर, लास्ट का फंदा तो हमेशा उल्टा ही बुनाई करना है और पहले फंदे को स्किप करना है। तो ये हमारा फोर लाइन का जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गया। ये डिज़ाइन फोर लाइंस का ही है। अब इन्हीं फोर लाइंस को हम फिर से रिपीट करेंगे। फोर लाइंस रिपीट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से अब डिज़ाइन उभर के आया है। ये फोर लाइंस का डिज़ाइन है ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फोर लाइन का डिज़ाइन है। तो इन्हीं फोर लाइंस को हम रिपीट करते जाएंगे और हमारा स्कार्फ आगे बनता जाएगा। तो हमें जितनी स्कार्फ की रिक्वायर्ड लेंथ है उतने तक इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम बना लेंगे। ये मैंने 50 इंचेस तक बना लिया है। 50 इंचेस नापने के बाद अब मैंने यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग की थी वन बाय वन रिब से, दो लाइन मैंने वन बाय वन रिब बनाई थी, उसके बाद प्लेन दो लाइन बनाई थी यहाँ पे, तीन लाइन बनाई थी यहाँ पे, उसके बाद ये पर्ल स्टिच लाइन बनाई थी। सेम मैं वही करूँगी यहाँ पे एंडिंग पे भी, मैंने ये पर्ल स्टिच लाइन बनाई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो प्लेन लाइन बनाई है, वन फ्रॉम द राइट साइड एंड अदर फ्रॉम द रॉन्ग साइड। फिर उसके बाद वन बाय वन रिब का यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, जैसे स्टार्टिंग में बनाया था दो लाइन का बॉर्डर बनाया है वन बाय वन रिब। अब मैं इसको फिनिश करूँगी।
घटाऊंगी इन फंदों को। फंदों को घटाने के लिए पहले फंदे को जैसे एज़ यूजुअल मैं स्किप कर रही हूँ, बिना बुने उतार लूँगी पहले बंदे को और दूसरे बंदे को बुनाई करूँगी और फिर इसे ऐसे घटाऊंगी, फिर नेक्स्ट लूप को बुनाई करूँगी सीधा और ऐसे घटाऊंगी। इस तरीके से मैं सभी फंदों को घटाती जाऊंगी। मैं एंडिंग पे पहुंच गई हूँ। एंडिंग के लूप को भी मैं इस बार सीधा बुनाई ही कर रही हूँ और अभी एक फंदा रह गया है, इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा फिनिश हो गया है लाइन। अब हम इसके स्टार्टिंग किनारे पे और एंडिंग किनारे पे टेसल्स लगाएंगे। टेसल के लिए मैं इस तरीके का एक लिड ले रही हूँ, बॉक्स लिड। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 5.5 इंच का है, ये स्क्वायर है ये, तो इस तरीके का लेके इस पर मैं धागा लपेटूंगी, ये इस साइड से पकड़ के। ये 1 टाइम हो गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 टाइम्स इस तरीके से लपेटने के बाद इसको यहाँ से पकड़ूंगी, दबाऊंगी और इसको कट कर लूंगी। कट करने के बाद ऐसे लेंगे और इसमें से ये 20 स्ट्रैंड्स हैं, इसमें से 10 स्ट्रैंड्स अलग कर लेंगे। 10 धागों को मैं निकाल लेती हूँ। ये 10 धागे लेके 10 स्ट्रैंड्स लेके टेसल बनाएंगे। इस तरीके का कोई भी एक हुक ले लें, क्रोशेट हुक, ये 5.5 mm का हुक है ये क्रोशेट हुक, और यहाँ कोने से थोड़ा सा अंदर 1 पॉइंट अंदर हुक को डालते हुए, मैं रॉन्ग साइड से डाल रही हूँ हुक को, पीछे से आगे की तरफ ऐसे डाल के इस तरीके से लेके अब हम इसे पुल कर लेंगे। और इसमें से ये सभी लूप्स को ऐसे लूप में से निकाल लेंगे और ये जो है एंडिंग पॉइंट है इसको भी मैं इसी लूप में से इधर ही रखूँगी और बांध लूँगी। इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं क्योंकि ये खींचेगा नहीं, इसको पकड़ के खींचूँगी 10 स्ट्रैंड्स को इस तरीके से। तो राइट साइड पे इस तरीके का लुक आना चाहिए। अच्छे से टाइट कर लें इसको, ये देखिए ये हमारा टेसल लग गया है। सेकंड टेसल लगाएंगे कुछ गैप्स को छोड़ के, 1, 2, 3, 4 गैप को छोड़ के, ये जो नीट लाइन दिख रही है इसमें मैं
कुक को डालूंगी और सेकंड 10 स्टैंड्स लूंगी ऐसे, और इनको भी सेम उसी तरीके से अटैच करूंगी। ये हमारे दो टेसल लग गए हैं। इसी तरीके से सभी टेसल्स को मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। मैंने 6 टेसल्स लगाए हैं। आप टेसल्स के नंबर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लगाने के बाद इनको यहाँ पे कट किया है बराबर करने के लिए। ये देखिए एकदम बराबर लग रहे हैं। इनकी लेंथ जो है 5 इंचज़ है अब, तो यानी 5 इंचज़ इस साइड और 5 इंचज़ इस साइड, लग के 10 इंचज़ स्कार्फ की लेंथ और बढ़ गई है। तो इतनी लेंथ का स्कार्फ जो है एकदम परफेक्ट है, चाहे वो जेंट्स के लिए हो चाहे लेडीज़ के लिए हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।